इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स एंट्रेंस टेस्ट 2019 के बारे में ये वीडियो है। कृपया करके इसे पूरे देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने सबका वीडियो बनाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बी कॉम एंट्रेंस टेस्ट का अभी तक नहीं बनाया है। तो ये लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने बी कॉम एंट्रेंस का, कितनी सीटें होती है, कैसे एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके के पेपर्स आते हैं और कितना ज़रूरी है आपको उस एग्जामिनेशन में स्कोर करने की, ताकि आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएँ और आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि आज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका हिस्सा बन पाएँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बी कॉम कोर्स में, तो इंक्लूडिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस लगभग 1100 से 1200 सीटें हैं इसमें बीकॉम के लिए। ऑनर्स नहीं है, नॉर्मल बीकॉम है ये, ऑलराइट। और इस साल से इसके क्वेश्चन पैटर्न में कुछ खास चेंज तो नहीं है, बस नेगेटिव मार्किंग हटाई गई है, तो आपको ज़्यादा कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सुन लीजिएगा कि आपको मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान देना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में, क्योंकि अभी लगभग 20 दिन से ज़्यादा समय बाकी हैं, आप इजीली अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बीकॉम एडमिशन टेस्ट, जिसके कि एग्जामिनेशन लेवल जो होगा वो इंटरमीडिएट लेवल तक का होगा, क्योंकि विद्यार्थी इसमें इंटरमीडिएट लेवल तक के बैठेंगे। और उसके अलावा ख़ास बात ये है कि जिन भी विद्यार्थियों के गैप ईयर्स हैं, उनके हर एक गैप ईयर पर 5% मार्क्स काट लिया जाएगा, जितना मार्क्स वो स्कोर करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो ये इस साल से नया रूल आया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। एक तरफ जहां नेगेटिव मार्किंग हटाई गई, तो दूसरी तरफ ये लिया गया कि जितने भी गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 5% उन्हें कटवाना होगा अपने स्कोर्ड मार्क्स में से, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो स्कोर कर पाएंगे। बट कोई भी चिंता का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन इतना बढ़िया होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें तीन भाग से पेपर आएंगे बेसिकली। पहला होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, मतलब कि या तो जनरल हिंदी करना होगा या जनरल इंग्लिश करना होगा, दोनों भाषाओं में से जिस भाषा में आप कंफर्टेबल महसूस करें, जो भी अच्छा लगे वही आपको कर लेना है, ऑलराइट। तो इसके होंगे 25 क्वेश्चंस और इसके अंतर्गत आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, कुछ ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, ऑलराइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ प्रिपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स से भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये हिंदी या इंग्लिश, जो भी भाषा आपको पसंद है, उनमें से केवल एक ही भाषा को करना होगा, 25 प्रश्न होंगे। दूसरे जो दूसरा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, उससे सिर्फ 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स, डे टू डे लाइफ में जो साइंस यूज़ होता है बेसिकली अप टू क्लास 10th लेवल तक के, एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी पोर्शन, एलिमेंट्स, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुल मिला के 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे की, वो बुक 25 रुपए की होती है, बहुत ही अच्छी बुक है और उसमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है जितना आपको जनरल अवेयरनेस के लिए चाहिए। और बाकी हर दिन की जुड़ी खबरों से तो आप ज़रूर ही अवगत रहते होंगे, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सब कुछ इंटरनेट फैसिलिटी है, तो हर दिन जो भी चीज़ें होती है वो मैं समझता हूँ कि आप करंट अफेयर्स को लेके अस्वस्थ होंगे, निश्चिंत होंगे। बाकी तीसरा पोर्शन है वो आता है कॉमर्स का, इंटरमीडिएट लेवल का कॉमर्स, क्लास 11th एंड 12th दोनों का, इससे होंगे 100 क्वेश्चंस, तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हुए, यानी कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, कितना स्कोर करने की ज़रूरत है ताकि आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। चूँकि 300 अंकों की परीक्षा है, इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी हटाई गई है, तो आपका आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 200 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने की कोशिश हमेशा और हमेशा होनी चाहिए, तभी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी कॉम जैसे कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा
मोटिवेट हुए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि कितना मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट लेते रहिएगा, मॉक टेस्ट के लिए अभी मैंने एक वीडियो बनाया जिस पे साइट दिया हुआ है, उस साइट पे जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बीकॉम की तैयारी जो लोग बीएचयू की कर रहे होंगे उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश तो उनकी खुद ही खुद अच्छी होगी, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ, बस जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। जो मैंने आपको बुक बताई मनोहर पांडे की, 25 रुपए की बहुत पतली सी बुक है, काइंडली गो थ्रू दैट बुक ओके थोरोली, और वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोग तक शेयर तो करना ही करना है। और सबसे ज़रूरी बात की, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। रिगार्ड्स महावाना एजुकेशन हब, देखते रहिए हर करियर से जुड़ी खबरों के लिए।